पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा स्टेशनों पर हाईटेक कैमरा लगाया जाएगा, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेल ने 756 स्टेशनों को सेलेक्ट किया है। उन सभी स्टेशनों पर बेस्ट कैमरा लगाया जा रहा है, जिसकी त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टेशन पर कंट्रोल रूम, डिविजनल कंट्रोल रूम, जोनल कंट्रोल रूम रहेगा, क्योंकि वह कैमरा IP बेस्ट रहेगा, जिसको कहीं से भी मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे के 33 स्टेशनों पर इस प्रकार का कैमरा लगाया जाएगा, जिसमें से 11 स्टेशनों पर इस तरह का कैमरा लगाया जाएगा। इस कैमरे में फेस जांच करने की भी सुविधा है। अगर कोई अपराधी स्टेशन पर आता है और कैमरे की नज़र में आ जाएगा तो कैमरे के द्वारा अलर्ट जाएगा, जिससे अपराध पर रोकथाम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 03 बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के मार्ग से बनारस को जाने वाली स्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन नंबर 15103 बनारस इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4 एट 16:20। स्टेशनों पर हाईटेक कैमरे लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। पूरे भारतीय रेल पर कुल 756 स्टेशनों को सेलेक्ट किया है, जिसपे रेलटेल द्वारा IP बेस्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। एक स्टेशन पे कंट्रोल रूम रहेगा, डिविजनल कंट्रोल रूम रहेगा और जोनल कंट्रोल रूम। इसके अलावा चूँकि IP बेस्ड हैं, तो इसको कहीं से भी खोल के इसको मॉनिटर किया जा सकता है। अभी अगर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूं, तो पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 33 स्टेशनों पर इस प्रकार के कैमरे लगाए जाने हैं, जिनमें से 11 स्टेशनों पर अभी तक ये कैमरे लगाए जा चुके हैं। और इस कैमरे में फेस रिकॉग्निशन की भी सुविधा है, जिसके माध्यम से अगर कोई वांटेड अपराधी रेलवे स्टेशन पर आता है, तो उसका फेस अगर पहले से उसकी फ़ोटोग्राफ अगर इनके पास अवेलेबल है, तो उसका अलर्ट आएगा और उसको जो है दिया जा सकेगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको। तो इससे अपराध पे रोकथाम लगेगी और रेलवे लगातार नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया।